आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। पहली बार भारत आई जापान की विदेश मंत्री कामिकावा। जापान की विदेश मंत्री कामिकावा ने भारत पहुंचकर भारत की तारीफ की है। वो कहती हैं कि भारत का महत्व अभी जितना कभी नहीं था, ये बड़ी बात है भारत के लिहाज से, भारत के बढ़ते कद के लिहाज से। कामिकावा ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर दोनों के बीच में विचार विमर्श हुआ है, बातचीत हुई है। भारत जापान 2+2 वार्ता के लिए दिल्ली पहुंची हैं कामिकावा। जापान में साल 2022 में हुई थी 2+2 वार्ता और अब भारत पहुंचकर कामिकावा ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। जापान के विदेश मंत्री कामिकावा योको नई दिल्ली आई हैं। वो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में आज 2+2 वार्ता में शामिल हुई। यहाँ इस बैठक में दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत आई जापान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में भारत की जमकर तारीफ की है। जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का रणनीतिक महत्व उस समय उतना नहीं था जितना आज दिखता है, यानी कि इस समय जितना महत्व है इससे पहले ऐसा कभी नहीं रहा। आपको मालूम होगा भारत का चीन के साथ जमीनी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं जापान का चीन से समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देशों के लिए हाल के दशकों में चीन बड़ा खतरा बनकर उभरा है। हिंद महासागर में चीन अपनी दादागिरी आए दिन दिखाता रहता है और वो लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए भारत एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत और जापान के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। इस डील के जरिए भारत अपने दोस्त जापान से नौसेना के लिए एंटीना खरीद सकता है। इस डील से हिंद महासागर में चीन की सारी चालबाजियां नाकाम होंगी, क्योंकि दुश्मन के बारे में पता भी लगा पाएगी भारतीय नौसेना और फिर उसे करारा जवाब भी दे पाएगी। इस डिफेंस डील में एंटीना, खास एंटीना खरीदने पर बात होगी। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और कामिकावा आपको तस्वीरों में देख रही हैं। भारत जापान 2+2 वार्ता के लिए दिल्ली पहुंची हैं कामिकावा। आज होने वाली इस मीटिंग में, इस बातचीत में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश साथ में बैठकर बात करने वाले हैं। और अब कामिकावा जब आई हैं हिंदुस्तान, दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। पहली बार आई हैं भारत और वो कहती हैं, जापान की विदेश मंत्री कहती हैं कि जितना महत्व आज भारत का है इससे पहले कभी नहीं था।